आप कह सकते हैं मेरा ये है, यहाँ पर बड़े बड़े सियासतदान जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर रह चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, सियासत के अंदर भी, जब वो बोलते हैं तो उनके मुंह पे जब चपेड़ मारी जाती है तो वो भी चुप करके बैठ जाते हैं भीगी बिल्ली बन के। तो फिर ये जमहूरियत तो ना हुई, यहाँ तो फिर मरूसियत कह लें या बादशाहत कह लें, वो है। तो इन चीज़ों में मुस्लिम लीग नून के लोगों को भी चाहिए कि वो अपना अपने लीडर को भी समझाएँ, उनके बच्चों को भी समझाएं कि इस नैच पे ना लेके जाएं जिसमें कि किसी के हाथ कोई चीज़ ना आए। और इस बयानी के साथ जो मुत्तफिक हैं वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, मैं भी हारा हूँ इलेक्शन, मैं भी कह सकता था कि जी मुझे भी हरवाया गया अगर कहना चाहें तो, और हो सकता है कोई गड़बड़ हुई भी हो इलेक्शन के अंदर, लेकिन ये कब से नहीं हुई। ये कोई पहला वज़ीर आज़म तो नहीं जो सिलेक्ट हो गया है, माजी में 88 से लेकर और 2002 तक, और फिर 2008 से लेकर जब NRO हुआ 2007 में। NRO करने का मकसद क्या था? NRO करने का, परवेज मुशर्रफ ने जो NRO किया जिसको हमने कंडेम किया, उसका मकसद ही यह था कि जिस जमात के साथ NRO कर रहे हैं कोई गधा है उसको भी पता लग जाना था कि इस जमात को अब लेकर आ रहे हैं हुकूमत के अंदर। और कुछ जमातों का ये ख्याल है, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी ये बात कही है और फिर से आपकी वसात से भी कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने प्रेशर के अंडर आके कि कोई इस किस्म का बयानियाँ लेकर आए और आप प्रेशर में आके उनसे समझौता करें, NRO करने की कोशिश करें, तो इसका मतलब है आप नेशनल सिक्योरिटी के साथ खेल रहे हैं। ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं इस मुल्क के अंदर चल रही हैं, कुछ लोग हैं वो जज्बाती हैं, वो कहते हैं नहीं जी असी तो बस ठीक है, लगे रहना इसी डगर पर, तो वो लगे रहें। फिर हम किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है हम उसको पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात, पिछले दिनों आपने देखा होगा ये जो यहाँ से हमारे MNA इलेक्ट हुए हैं, शायद वो भी आज आप लोगों से बात करेंगे, तो उनसे पूछना कि ये जो दुबई के अंदर घपले हुए हैं इसकी क्या बेसिस है, इसका जवाब कैसे देंगे। वो कागज़ मैंने अभी 92 न्यूज़ वालों से रिक्वेस्ट की है कि मुझे दें ताकि मैं अपने जो अदालत में हमारा केस चल रहा है मैं उनके साथ लगा के उनको जमा भी करवाऊं, और साथ उनकी कोई वहाँ से दुबई से भी मालूमात कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने अरब रुपए का घपला हुआ है वहाँ पे। और फिर वहाँ से सोना एब्सकॉन्डर हैं, वहाँ पे जा भी नहीं सकते हैं, इनको दुबई की हुकूमत ने वहाँ आने से पाबंद किया हुआ है कि अगर वहाँ पर लैंड करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, ये सीधा जेल में जाएगा वहाँ जा कर। तो जो शख्स अगर इस किस्म का बाहर घपला करके आया हो तो अपने हलके की और अपने मुल्क की क्या खिदमत करेगा वो। तो ये भी हमारे यहाँ एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि हम बग़ैर सोचे समझे पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ भी ये करती हैं कि वो देखती हैं कि कौन कितना बड़ा सरमायादार है, कौन कितना पैसा लेकर आ रहा है, कितने पैसे दे के टिकट ले रहा है, और चाहे वो पैसा पीछे से ब्लैक मनी हो या लूटा हुआ पैसा हो या जो चीज़ भी हो, कोई इस बात की को नहीं देखता। इसीलिए ये आजकल शहबाज शरीफ से लेकर और हर किसी पे जो इल्ज़ाम लग रहा है, कोई फलूदे वाले अकाउंट निकल रहे हैं, जरदारी से 12 अरब रुपया रिकवर हो चुका है, मेरे ख्याल में पहला शख्स है जिससे नैब ने रिकवरी की है 12 अरब रुपये की। तमाम अकाउंट जो नाई धोबी मोची फलूदे वाले के खुले हुए थे उसमें जितना पैसा था वो पहला कदम उठा है नैब की तरफ से, जो कि पैसा रिकवर होकर हुकूमत के अकाउंट में जा चुका। तो उम्मीद है कि बाकियों का भी इसी तरह जो लूटी हुई दौलत है उसको रिकवर करेंगे। तो ये चंद एक बातें थी जो मैंने कहा आज आप लोगों से बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है, तो कर लें अगर कोई आपने सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछ। और सर जो इस्तेकाम पाकिस्तान के वाले ये जलसे कर रहे हैं जी, तो ये जितने भी पाकिस्तान की बिग सिटी हैं जी, ये आपने इस्लामाबाद लाहौर और दो तीन शहरों का नाम दिया, तो बाकी क्या? ये देखें, भावलपुर से मुझे दावत आई हुई है, कराची से दावत आई हुई है, सक्खर से दावत आई हुई है, भावलनगर भी मैं अभी वो कराया हूँ, इंशाल्लाह भावलनगर में भी करेंगे जी। मेरे ख्याल में फैसलाबाद के बाद भावलपुर में करने से पहले